हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अबे साले, फ्री फायर मैक्स एक बैटल रॉयल गेम है। साथ में इस बात करें बैटल रॉयल गेम की, बैटल रॉयल गेम की इम्प्रूवमेंट के लिए प्लेयर गाइस इसमें बोर ना हो, इसके लिए ये गेम गाइस अपने प्लेयर्स को काफी ज्यादा बेनिफिट देती है, अपडेट देती रहती है गेम में। आज गाइस हम बात करने वाले OB34 में गाइस कुछ करेक्टर की एबिलिटीज में चेंज किए गए हैं। क्या आपको पता है OB अपडेट के बाद MP40 की टॉप 5 गन स्किन कौन सी है? साथ में गाइस यदि आपका फोन थोड़ा कम जीबी का, 2 GB 3 GB रैम है, तो गाइस आपको कौन सी सेंसिटिविटी रखनी है जिसके द्वारा गाइस आपका फोन लैग नहीं मारे। तो गाइस इन टॉपिक पे आज गाइस हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पे न्यू आए तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आप भी एक फ्री फायर प्लेयर हो तो गाइस आपके लिए चैनल बनाया गया है। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे। इंडिया में गाइस टोटली फ्री फायर बैन हो चुकी है। ग्रीना फ्री फायर की ऑफिशियल साइट से भी गाइस यहां पे फ्री फायर को रिमूव कर दिया गया है। साथ में गाइस फ्री फायर मैक्स को गाइस यहां पे प्रमोट किया जा रहा है। यदि गाइस आप इंडिया में गाइस फ्री फायर गेम को खेलते हो, गाइस ये अनफेयर तरीके से आप इस गेम को खेलते हो, गाइस आपकी आईडी बैन हो सकती है। बात करेंगे इस फ्री फायर मैक्स की, गाइस फ्री फायर मैक्स फ्री फायर का मैक्स वर्जन है, जो कि गाइस जिनकी फोन की सेंसिटिविटी काफी अच्छी होती है उनके लिए गाइस ये गेम बनाई गई है। पर गाइस बात करें अभी की, गाइस अपडेट के बाद यहाँ पे गाइस फ्री फायर मैक्स का साइज रिड्यूस कर दिया गया है। यदि गाइस आप आईफोन में गेम को खेलना चाहते हो, गाइस आपका वर्जन IS 11.0 या गाइस उससे बड़ा होना चाहिए। साथ में गाइस उस फोन में गाइस 2.1 GB फ्री स्पेस होना चाहिए। इट मींस गाइस यदि आपके पास iPhone 6s है या गाइस उससे अच्छे अच्छे वर्जन है, आप गेम को आराम से खेल सकते हो। बात करेंगे इस एंड्रॉइड यूजर की, एंड्रॉइड फोन में गाइस कम से कम 1.5 GB रैम होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हो, आपके फोन में गाइस कम से कम 1.5 GB रैम होनी चाहिए। साथ में गाइस वो एंड्रॉइड 4.1 वर्जन होना चाहिए। यदि गाइस आपका एंड्रॉइड 3 वर्जन या गाइस इससे कम है तो गाइस ये नहीं चलेगी, आपका कम से कम एंड्रॉइड 4 वर्जन होना चाहिए। यदि गाइस आपके पास 2 GB 3 GB का फोन है और आपका फोन बहुत लैग मारता है, गाइस मैंने नीचे एक वीडियो दी है गाइस, उसको देख के आप अपनी फोन की लैगिंग को कम कर सकते हो। वीडियो को लिंक गाइस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इस कमेंट में पिन कर दिया, तो गाइस उस वीडियो को यदि आप इंटरेस्टिंग हो तो गाइस देख सकते हो। सूत्रों के अनुसार गाइस पता लगा है गाइस, आप यदि गाइस ये वाली सेंसिटिविटी रखते हो तो गाइस आपका फोन ज्यादा लैग नहीं मारेगा, आप गाइस अच्छे हेडशॉट मार सकते हो। असंभव। सबसे पहले गाइस सेंसिटिविटी की बात की जाए, सबसे पहले गाइस आपकी मूवमेंट होती है, गाइस किस तरीके से गेम में मूव कर रहे हो। इसके लिए गाइस गेम में गाइस आपको एक सेटिंग मिलेगी जिसका नाम जर्नल है। यदि गाइस आप इस सेटिंग को गाइस 100 कर देते हो, गाइस आपका फोन थोड़ा लैग मारता है, इसलिए गाइस आपको इस सेटिंग को गाइस 76 से लेके गाइस 80 तक एडजस्ट करना है। इसके नीचे गाइस आपको सेटिंग देखने को मिलती है रेड डॉट और गाइस 2x को। जब गाइस आप एनिमी से फाइट करने जाते हैं क्लोज रेंज में, गाइस एनिमी आपके क्लोज रेंज में आ जाते हैं, गाइस ये वाली दो सेटिंग एक्टिवेट हो जाती है। यहाँ पे गाइस आपको रेड डॉट को गाइस 50 से कम रखना है, साथ में गाइस 2x स्कोप को गाइस आपको 50 से अबव रखना है। इसी के साथ गाइस आपको नीचे ऑप्शन देखने को मिलता है स्नाइपर स्कोप, आपको गाइस इस सेंसिटिविटी को गाइस 50 से कम रखना है, क्योंकि आप यदि स्नाइपर यूज करते हो तो गाइस आपको पता होगा जितने भी स्नाइपर होते हैं उनमें गाइस 8x स्कोप होता है। आप गाइस इन सेंसिटिविटी को ट्राई करना, उसके बाद ट्रेनिंग में गाइस या गेम खेल के पता करना गाइस आपके ऊपर कितनी अच्छी अप्लाई हो रही है। यदि गाइस आपका फोन अभी भी लैग मार रहा है तो गाइस आपको थोड़ी सी आगे पीछे एडजस्ट कर लेनी है। बट गाइस ये जो सेंसिटिविटी है गाइस वो गाइस 3 GB 2 GB के लिए गाइस बिल्कुल OP सेंसिटिविटी है। रॉन्ग नंबर। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। क्या आपको पता है गाइस इंडिया में गाइस फ्री फायर मैक्स का कमबैक हो चुका है। साथ में गाइस आप इस गेम का गाइस ऑफिशियली इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करोगे या इस ऑफिशियली यूट्यूब चेक करोगे, यहाँ पे गाइस आपको फ्री फायर मैक्स इंडिया लिखा है, जिससे गाइस ये कंफर्म होता है गाइस इंडिया में फ्री फायर मैक्स आ चुकी है ऑफिशियल तरीके से। साथ में गाइस यहाँ पे आप गेम में जाओगे, यहाँ पे आपको गाइस न्यू ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जिससे गाइस ये पता लगता है इंडिया में गाइस ई स्पोर्ट्स का कमबैक हो चुका है। ये जो गाइस ऑप्शन है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, अभी तो गाइस ये एक्टिवेट नहीं है, बहुत जल्दी गाइस ये एक्टिवेट होने वाला है। यहाँ पर गाइस सबसे पहले आपको गाइस 5 खिलाड़ियों की एक टीम बनानी पड़ेगी, मतलब गाइस 4 खिलाड़ी की एक स्क्वाड होगी। यदि गाइस किसी बंदे कोई कारणवश गाइस नहीं खेल पाए तो गाइस वो पांचवा प्लेयर उसकी जगह खेलेगा। यहाँ पर गाइस आप अपनी टीम का कोई भी नाम रख सकते हो, साथ में कोई भी बैनर अवतार लगा सकते हो। यहाँ पर गाइस आपके बहुत सारे मैचेस होने वाले हैं। ये गाइस एक क्लैश स्क्वाड गेम की तरह होगा, गाइस आप 4 बंदियों के सामने भी 4 बंदे होंगे, बट आपको जीतना है। यदि गाइस आप हाईएस्ट मैच जीत जाते हो गाइस आपको यहाँ मिलते हैं बहुत सारी रिवॉर्ड। साथ में गाइस टॉप टीम्स को गाइस यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है, नेक्स्ट लेवल पे उनको भेजा जाता है, जो कि गाइस एक बहुत अच्छी बात है। ये क्या बात करते हैं यार।
बात करेंगे इस करेक्टर की, यहाँ पे करेक्टर की एबिलिटी में चेंज हो चुका है। ये देखिए आपके सामने एनमी गाइस चार बॉल लगा रहा है गाइस, आप गाइस 50 मीटर की रेंज में गाइस उन बॉल को तोड़ सकते हो। साथ में गाइस यदि आप ग्लू वॉल लगाते हो गाइस आपको एक बॉल की 4 HP मिलती है। यदि गाइस आपने एक बार इस करेक्टर का यूज कर लिया उसके बाद गाइस 85 सेकंड के बाद आप इस एबिलिटी को यूज कर पाओगे, जो कि गाइस 1.5 मिनट होती है, मतलब गाइस 2 मिनट के अंदर आप गाइस दोबारा से इस एबिलिटी का यूज कर पाओगे। यदि गाइस आपके पास एलोक करेक्टर है गाइस, आपको कोई एनमी डैमेज दे रहा है, आप गाइस एलोक का यूज कर सकते हो। गाइस आपकी मूवमेंट स्पीड को इंक्रीज करता है, साथ में गाइस आपको HP देता है। बट गाइस बात करें इसकी ड्यूरेशन की, गाइस आप एक बार यदि एलोक को यूज कर दो गाइस स्काइलेंस से बहुत कम टाइम लेता है, इसकी स्किल बहुत जल्दी एक्टिव हो जाती है। अप्रोक्सीमेटली गाइस यदि आप एक बार एलोक का यूज कर सकते हो उसके बाद गाइस 1 मिनट के बाद आप दोबारा एलोक का यूज कर पाओगे। नेक्स्ट नंबर की बात करें यहाँ पे गाइस एक्सियन करेक्टर जो की एलोक की तरह काम करता है, हमको HP देता है, साथ में गाइस डैमेज को इंक्रीज करता है। कोई इसमें भी कुछ चेंजिंग किए गए हैं। यहाँ पर गाइस बात करें भूकोंग करेक्टर की, आपके सामने कोई बंदा आता है आप इस करेक्टर के साथ गाइस घास बन सकते हो। एक बार गाइस यदि आप इसका यूज कर सकते हो उसके बाद गाइस 5 मिनट के बाद दोबारा आपको इसका यूज देखने को मिलेगा, जो कि गाइस बहुत ज्यादा होता है। साथ में गाइस के करेक्टर में गाइस कुछ चेंजिंग किए गए, यहाँ पे गाइस के करेक्टर आपको गाइस EP देता है और गाइस EP को HP पे कन्वर्ट करता है। तेरे बाप की शादी है क्या रे? बात करने की इस अपडेट के वक्त आपको यहाँ पे गाइस टॉप 5 MP40 स्किन दिखाने वाला हूँ। यदि गाइस आपके पास भी इनमें से गाइस कोई MP40 है तो उसको बताना गाइस कैसी चल रही है। सबसे पहले गाइस हम बात करते हैं बनी MP40। जी हाँ दोस्तों गाइस ये एक MP40 है, क्रेजी बनी MP40, जिसकी एबिलिटी की बात करें यहाँ पे इसमें आपको देखने को मिलता है डबल रेंज और गाइस सिंगल डैमेज, जो कि गाइस काफी अच्छी MP40 और गाइस हेडशॉट मारती है, काफी अच्छी हेडशॉट लगते हैं इस MP40 से। आप गाइस इसको यूज करते हो कि नहीं करते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ग्रीना फ्री फायर की गाइस सबसे पुरानी MP40 जिसका नाम गाइस मैकेनिकल MP40 है, गाइस ये बहुत पुरानी MP40 है। बात करेंगे इसकी एबिलिटी की, इसमें गाइस आपको डबल डैमेज देखने को मिलता है, साथ में गाइस आपको सिंगल रेंज देखने को मिलती है, जो कि गाइस काफी अच्छा गन एबिलिटी। बात करेंगे नेक्स्ट MP40 रॉयल प्लस MP40, जो कि गाइस ये काफी OP MP40 की स्किन है। ये गाइस आपको ब्लू कलर की देखने को मिलती है, इसमें गाइस आपको डबल डैमेज और साथ में सिंगल रेट ऑफ फायर देखने को मिलता है। बात करेंगे नेक्स्ट MP40 जिसका नाम गाइस आप पोकर बोलते हो उसको, इसका गाइस फ्लैशिंग स्पीड इस MP40 का नाम है, इसमें भी गाइस आपको डबल डैमेज और सिंगल रेट ऑफ फायर देखने को मिलता है। बात करेंगे फर्स्ट नंबर के MP40 की, जो कि सबसे रेयर है और गाइस काफी ज्यादा बंदे इसका यूज करते हैं, काफी अच्छी चलती है भाई ये MP40। यदि गाइस आपके पास ये वाली MP40 की, सामने वाले की मौत तो निश्चित है गाइस, ये MP40 काफी OP चलती है। जी हाँ दोस्तों गाइस मैं बात कर रहा हूँ ईबो MP40 की। यदि गाइस आप इस गन को मैक्स कर लेते हो इसमें गाइस डबल डैमेज है, साथ में सिंगल रेट ऑफ फायर है, जो कि गाइस काफी OP बात है। आई थिंक दोस्तों मैंने गाइस इस वीडियो में आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी होगी। वीडियो पसंद आएगा इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल।